सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आई प्रशांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम JEC कोकस। टुडे वी ऑल आर हेयर टू डिस्कस सम टॉपिक्स, ओके, विच कम्स अंडर द सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक फोर्स एंड सिविल इंजीनियरिंग। द टुडेज टॉपिक विल बी इम्पैक्ट ऑफ जेट्स ऑन मूविंग प्लेट्स। नाउ इन द फर्स्ट पार्ट we have described the first one, that is introduction about impact of jets, okay. The second one is different cases of impact of jets, where we have derived some equations, like when the moving plate is vertical one, then we have derived the two equations, that is the force exerted by the jet on plate, and the second one is work done per second by the jet. एंड इन द सेकेंड कंडीशन सपोज द मूविंग प्लेट इज कर्व वन, अगर हमारा प्लेट कर्व है तो उस केस में भी वी हैव डेराइव द टू इक्वेशन, दैट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाय द जेट ऑन प्लेट एंड द सेकेंड वन इज वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट, ओके। इन दिस स्लाइड और इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ओके। नाउ in the first part where the question says, question one says that a jet of water of diameter 10 cm strikes a flat plate normally with a velocity of 15 meter per second. The plate is moving with a velocity of 6 meter per second in the direction of jet and away from the jet. Find the first one is force exerted by the jet on plate, the second one is work done by the jet per second on plate, third one is power of jet, that is P, and the fourth one is efficiency of jet, eta. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले एक जेट है, वाटर का एक जेट है, मतलब धार जिसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर, मीन्स डी गिवेन 10 सेंटीमीटर, इट इज़ कन्वर्टेड इंटू मीटर, दैट इज 0.1 मीटर। इट स्ट्राइक्स अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट, प्लेट हमारा कैसा है, फ्लैट है और वर्टिकल है, ओके। वेलोसिटी ऑफ प्लेट क्या है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ जेट क्या है, दैट इज वी 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ इट स्ट्राइक्स अ प्लेट, द प्लेट हैज़ अ वेलोसिटी यू, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ जेट, दैट इज पाई बाई 4D square, दिस वन विच गिव्स द वैल्यू ऑफ 0.007854 meter square, ओके। नाउ द फर्स्ट वन इज वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स एग्जर्टेड बाई जेट ऑन प्लेट, दैट इज FX इज इक्वल टू रो ए वी माइनस यू, रो मीन्स डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000, एरिया ऑफ जेट वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, दैट इज 0.007854, एंड वी माइनस यू, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ जेट एंड यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, दैट इज वी माइनस यू, ओके। आफ्टर द प्रोडक्ट इट विल गिव्स द फाइनल वैल्यू, दैट इज FX इज इक्वल टू 636.17 न्यूटन। नाउ द सेकेंड शोज द वर्क डन, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन पर सेकेंड बाई जेट, दैट इज FX इंटू यू, FX फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन प्लेट एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ प्लेट, नाउ इट गिव्स द वैल्यू 3817.02 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ओके। नाउ द थर्ड पार्ट पावर ऑफ जेट, द पावर ऑफ जेट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज थर्ड नंबर, इट्स यूनिट विल बी किलोवाट। नाउ पावर ऑफ द जेट विल बी वर्क डन पर सेकेंड अपॉन 1000, दैट इज 3817.02, वी हैव कैलकुलेटर अर्लियर, डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 3.817 किलोवाट, ओके। नाउ द फोर्थ वन इज एफिशिएंसी ऑफ जेट, वी नो एफिशिएंसी विल बी द आउटपुट ऑफ जेट पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ जेट पर सेकेंड, नाउ आउटपुट ऑफ जेट पर सेकेंड विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय द जेट पर सेकेंड, दैट इज 3.817 किलोवाट, सपोज इट विल कन्वर्ट इन टू वाट, देन इट विल 3817.02। नाउ इनपुट ऑफ जेट
पर सेकेंड विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड, ओके, दैट इज हाफ मास पर सेकेंड इंटू वी स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी. इट गिव्स आफ्टर कैलकुलेशन 13253.67.6 न्यूटन मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ जेट विल बी 28.8%. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ए जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर गिवन 7.5 सेंटीमीटर स्ट्राइक्स अ कर्व प्लेट, ओके, द प्लेट इज कर्व एट इट्स सेंटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. द कर्व प्लेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा है. एज्यूमिंग द प्लेट इज स्मूथ, ओके, प्लेट क्या है हमारा स्मूथ है. देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट वन इज फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, सेकेंड वन इज द पावर ऑफ जेट, एंड थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट एफिशियंसी ऑफ द जेट. नाउ गिवेन डायमीटर ऑफ जेट डी 7.5 सेंटीमीटर, इट विल बी कन्वर्टेड इंटू मीटर, दैट इज 0.075 मीटर. एरिया ऑफ जेट पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इट गिव्स द वैल्यू 0.004417 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ वी जेट गिवेन बाय द इक्वेशन वी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ प्लेट यू इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ जेट विल बी 165 डिग्री, इट इज गिवेन. Therefore, the angle made by the relative velocity of jet at outlet of the plate क्या होगा हमारा, ये होगा theta is equal to 180 degree minus 165, that is 15 degree. Angle क्या होगा theta की value 15 degree. Now we have to first calculate force exerted by jet on plate. It will be rho a v minus u का whole square 1 plus cos theta. As we have derived this equation in case of curved plate, it will give the value fx is equal to 1250.38 न्यूटन. ओके, नाउ इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय जेट ऑन प्लेट पर सेकेंड, दैट इज एफ एक्स इंटू यू. द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू वेलोसिटी ऑफ प्लेट, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ 1003.04 न्यूटन मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर द पावर ऑफ जेट विल बी वर्क डन अपॉन 1000, इट विल गिव द 10 किलोवाट. नाउ द थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ जेट. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एफिशिएंसी ऑफ जेट इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ जेट अपॉन इनपुट ऑफ जेट. आउटपुट विल बी वर्क डन बाय जेट पर सेकेंड एंड इनपुट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट पर सेकेंड एज वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर. देयरफॉर इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 56.4, ओके, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ 56.4. ओके, नाउ कम्स टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ इन दिस स्लाइड व्हाट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज दैट ए नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर डिलीवर्स ए स्ट्रीम ऑफ वाटर एट 20 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर, विच इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्लेट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द जेट एट 5 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट वन यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स एंड द सेकेंड वन इज वर्क डन एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ जेट. नाउ क्वेश्चन सेज दैट डायमीटर ऑफ द जेट इज गिवन 50 mm, इट विल कन्वर्ट इनटू मीटर 0.05 मीटर. एरिया ऑफ जेट पाई बाय 4 डी स्क्वायर, इट विल गिव 0.0019635 मीटर स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ जेट गिवन वी 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ प्लेट गिवन दैट इज यू 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ द फोर्स ऑन प्लेट will be fx is equal to rho a v minus u square. Why rho a v minus u square? Because it is a plate, okay, it is a flat plate. Now it gives the value of fx is equal to 441.78 newton. Second one is work done by jet fx into u, that is 2208.9 newton meter per second or watt. And the third one is efficiency of jet, that is output of jet upon input of jet, which gives the value of 33.77%. okay, now I think all have clear from of that numerical. Okay, so thanks and have a nice day. Okay.